हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं लव रीडिंग। यस, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और आप अगर रिलेशनशिप में हो या फिर किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, सिचुएशनशिप में हो, तो इस टाइम पे आप जिस पर्सन को समझ रहे हो या फिर समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका रीडिंग मैं अभी करूँगा। नेक्स्ट, मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो कोई भी फेक प्रोफाइल से दूरियां बना के रखें। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके नहीं बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि ट्रू ऑनेस्ट लाइट वर्कर्स ऐसे नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होता है जिसके कारण ये सब अलाउड नहीं है। लेट्स सी, इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे थे। वर्ल्ड, यहाँ पे खास करके चार जोडियक साइन का नाम मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक है लियो, दूसरा है एक्वेरियस, तीसरा है स्कॉर्पियन, चौथा है टॉरस। सो अगर आप लियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे खुशखबरी है, आप लोग एक बहुत टफेस्ट साइकिल को खत्म किए हो। हो सकते हैं 2 साल से, क्योंकि कल है लूनर इक्लिप्स और वो ही होगा साइकिल के एंड। सो आप लोग एक साइकिल को खत्म कर रहे हो, एक नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो, बट क्या सीखे हो आप, क्या रिलीज कर रहे हो, ये आपके लिए एक गाइडेंस होगा। बट आपके पार्टनर इस टाइम पे सच में आपको पाना चाहते हैं, वो सेपरेशंस को खत्म करना चाहते हैं। बहुत हो गया उनका और आपका मनमानी, बट वो सब दूरियां हटा के आपके साथ मिलना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं, जो कोई पर्सन है जो मन का बात बहुत दिन से लेके बैठे हैं, जो बोलेंगे। मैं ये देख सकता हूँ कि रिसेंटली आपके साथ किसी का मुलाकात हुआ और देखते ही देखते ये कनेक्शंस ग्रो कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, शायद आप इसको अलाउ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस आप देखे हो। यहाँ तक कि सेम वाइस वर्सा, ये पर्सन आपको प्यार तो करते बट अलाउ नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं किसी का बर्फ जो है वो पिघल रहा है, क्योंकि ये जो कैट एंड माउस जो चेज चल रहा था, ये चेज खत्म हो रहा है। फाइनली कोई पर्सन सरेंडर कर रहे हैं, फाइनली कोई पर्सन आपके सामने आके बोल रहे हो कि वो कितना मोहब्बत आपको करते। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि आपके फैमिली या फिर कोई थर्ड पार्टी बहुत कॉन्स्पिरेसी किए, बट कुछ नहीं हो पाया। फाइनली जो होना था वो हो रहा है, ये एक बहुत ब्राइट ब्रेक थ्रू हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि किसी के साथ 5-7 साल हो गए थे, आपका बात नहीं हुआ था क्योंकि एक मेजर फाइट हुआ था, बट फाइनली कोई पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उसके गलती की वजह से आप दोनों के बीच में मेजर फाइट हुआ था। ये यही जोडियक साइन हो सकते हैं, बाहर के जोडियक साइन भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई पर्सन बहुत कैरिस्मेटिक है, जो बहुत आईटी में काम करते हैं, नेटवर्किंग में काम करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर एयरफोर्स में हैं, या फिर मैं देख सकता हूँ कि वो कोई रिसर्चर है या फिर पायलट है। आई थिंक ये पर्सन के साथ एरोप्लेन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो हो सकता है ये पर्सन NRI हो, ये पर्सन, या फिर हो सकता है कि ये डिफरेंट रिलीजियन में हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में अभी वापस आना चाहते हैं। तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये डीप कनेक्शंस को फील कर रहे हैं, बट इसको लगता है कि आप पूरे तरीके से इसका दरवाजे बंद कर दिए हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट किया था और आपने इसको बोले थे एक दिन आपको लौट के आना है, और आई थिंक वो बात उस टाइम पे वो लोग वो सुने नहीं, क्योंकि वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे। मैं देख सकता हूँ कि इसका एक ग्रुप था, उस ग्रुप में आप शामिल हुए, उसके बाद आपको उस पूरे ग्रुप से हटा दिया गया था, अब फाइनली सब लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये एक गैंग था, ओके, और ये होना था क्योंकि आपको पता था कि आप दोनों एक साथ रहने के लिए ही इस जन्म में आए हो। आई थिंक ये ट्विन फ्लेम है जिसको आप बहुत पाने की कोशिश किए थे, एंड फाइनली यू नो आपका जो डर था वही हुआ, और उसके बाद 3-4 साल हो गए या फिर 5-6 साल हो गए सेपरेटेड, आपको पता भी नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके शहर में आ रहे हैं, आपके लोकेलिटी में आ रहे हैं, तो कोई पर्सन मिलेंगे। ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है, क्योंकि अभी आप क्लियर्ड हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत लोनलीनेस झेले हो, और ये पर्सन भी, मैं देख सकता हूँ आप दोनों सेम जेंडर के भी पर्सन हो सकते हैं, या फिर बहुत ही हिडन रिलेशनशिप्स है। हो सकता है कि वो एक मैरिड पर्सन है या सेपरेटेड पर्सन है, आप एक मैरिड पर्सन हो, ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ऐसे एक भी नहीं दिन हुआ कि वो आपको मिस नहीं किए, बट ये अपना फीलिंग्स को छुपा के रखे थे, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई अलग रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे, या फिर वो कोई किसी के साथ एंगेज थे, या फिर उसका शादी हो गया था, जो भी था इमोशंस को वो समझा नहीं पाए आपको, और आप भी उसको समझा नहीं पाए।
आई थिंक आप दोनों सोसाइटी क्या कहेंगे या फिर मोरली ये सही नहीं है वो सही है ये सब बात बोल के दोनों ही दोनों से दूर हो गए, बट फाइनली एक दूसरे के लिए टाइम बना पा रहे हो और एक दूसरे के लिए आप लोग आ रहे हो। आई थिंक आपको भी यकीन है कि वो उसको एक ना एक दिन आना था। आई थिंक वो आ रहा है, लेट्स सी और क्या है। ये डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री में भी रह सकते हैं, लेट्स सी। सेकेंड एस ऑफ वांड्स, ओ माय गॉड, ये एक ट्रूली पैशनेट कनेक्शन है। आपके पर्सन आपको सेक्सुअली इमोशनली मेंटली चाहते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दोनों के बीच में सेक्सुअल मैजिक उतना अच्छा क्यों नहीं है, केमिस्ट्री उतना अच्छा क्यों नहीं है, बिकॉज आप दोनों के सबकॉन्शियस में कुछ ब्लॉकेजेस था। ये ब्लॉकेजेस इसीलिए था, हो सकता है फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि आप जिस तरीके से रिलेशनशिप्स को देखते आए हो या फिर आपका जो परसेप्शन था रिलेशनशिप्स के बारे में, आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका इक्वेशन उतना आपके अनुसार उतना अच्छा नहीं था। अब धीरे धीरे इस पर्सन भी अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं, और आप भी अपना परसेप्शन, मेरे ख्याल से अट्रैक्शंस बढ़ जाएगा, ट्रस्टवर्दीनेस आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा, पैशन आ जाएगा, इंटीमेसी बढ़ेगा, और ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से इंटीमेट होने के लिए आई थिंक यहाँ पे पैशन एंड इमोशंस का बर्स्ट आउट होगा। तो कोई डेट आ रहा है या फिर आप लोग इस वीकेंड में कहीं पे जा रहे हो या फिर आज ही वो आपको बुलाएंगे, कुछ अच्छा पल आप लोग बिताएंगे। मेरे ख्याल से ये मैसेज वीडियो कॉल भी हो सकता है, और फाइनली जो आप चाहते हो वो होने वाला है। आई थिंक आप विजुअलाइज कर रहे थे कुछ चीज़ को आज ही शायद, या फिर आप यूनिवर्स से एक क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या हम लोग मिल पाएंगे, क्या फिजिकल इंटीमेट हो पाएंगे, क्या वो कमिटमेंट दे पाएंगे, क्या वो लॉयल रहेंगे, तो उसका आंसर आ रहा है कि हाँ, उसके दिमाग में भी सेम चीज़ चल रहा है आपको लेके। तो यहाँ पे मिररिंग कार्ड में बोल सकता हूँ। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके, सिमिलरली यहाँ पे आते हैं नाइट ऑफ वांड्स, सो कीप अप द मोमेंटम। यू नो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि कई सारे ऐसे चीजें जो आप डिस्कवर करेंगे। कुछ यंग लवर्स की एनर्जी मेरे को आ रहा है, जो लोग नए नए मिले हो, और आप अभी कोई ब्रैकेट मत लगाओ, अभी कोई टैग मत दो। यू नो आपका एक आदत है कि बहुत जल्दी बहुत फ्यूचर के बारे में सोचना, या फिर आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, सही गलत ठीक है, गुड फाइन, बट यू नो आपने लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपने लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो वो पहली बार आपको वो फील करवाना चाहते हैं, वो पहली बार आपको एंटरटेन करवाना चाहते हैं, एंड यू नो वो आपके आंखों से जिंदगी को देखना चाहते हैं। और लिटरली ये शायद यू नो बहुत हटके होगा, ये एक्सपीरियंस बहुत नए होंगे, शायद आप डरे हुए होंगे, शायद ये ऐसे एक्सपीरियंस आप कभी भी लाइफ में नहीं किए हो, बट वो चाहते हैं कि आप ये एक्सपीरियंस करें, शायद वो इसी के लिए प्लान करें, शायद आप दोनों ही अननोन एक सिचुएशंस के तरफ जा रहे हो, बट यहाँ पे जो लव इंटीमेसी होगा ये कम्प्लीटली आपके यू नो आपके सोच से भी बाहर है। यू नो जो चीज़ आप एक्सप्लोर नहीं की हो, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, या फिर आपका यू नो तरीका अलग है, आपके परसेप्शंस अलग है। यू नो एक नए इमोशनल चेंज लेके ये आ रहे हैं, ये बहुत दिन वेट किए और आप भी वेट किए, और लिटरली आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप इससे बेटर नहीं हो सकता है। रिलेशनशिप एक पैटर्न या फिर एक शेप लिया था, इस फुल मून और इस लूनर इक्लिप्स इस रिलेशनशिप्स को एक नए दरिया दिखा रहा है, एक नए हराइजन पे ये रिलेशनशिप जाना स्टार्ट करेंगे। यू नो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे थे, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे थे, बट आप लोग इस रिलेशनशिप्स को एक फनी वे में नहीं देख पा रहे थे, बहुत सीरियस हो गए थे रिलेशनशिप। फाइनली यहाँ पे फन टाइम होगा, फाइनली आप एक दूसरे के लेग पुल करेंगे, मैं हंसी मजाक देख रहा हूँ, डेट देख रहा हूँ, कहीं पे जा रहे हो देख रहा हूँ, कोई टूर प्लानिंग हो रहा है देख रहा हूँ, एक साथ टाइम स्पेंड मैं देख रहा हूँ, रूम पे शिफ्ट हो रहे हो देख रहा हूँ, मूवीज देख रहे हो, यू नो मैं ये भी देख सकता हूँ, शॉपिंग कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छे से आप लोग एक टाइम को स्पेंड कर रहे हो और वो यही प्लान कर रहे। बट यस, एंटरटेनमेंट होता है एक प्रॉपर टाइम बेस्ड, यानी कि ये जो एनर्जी है इसको आप ऐसे मत सोचो कि ऐसा ही चलता रहेगा, कोई नया साइकिल आएगा, बट ये एक शॉर्ट टाइम एंजॉयमेंट के लिए वो प्लान करे, इस वीकेंड के लिए वो प्लान करे, आज के लिए वो प्लान करे, और इस प्लान को प्लीज ना मत बोलो, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। ये लाइफ आपको ऑफर करे, इस ऑफर को आपको हाँ बोलना है, भले ये नए पर्सन हो पुराने पर्सन हो, इसको यू नो ये क्यों बोल रहे हैं, ये करना सही होगा कि गलत होगा, नहीं, यूनिवर्स आपको बोल रहे कि भाई आपके पास एक मौका है, आप इसको ये जो ऑफर आपको कर रहे हैं उसको हाँ बोल दो और एंजॉय करो, दैट्स इट, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि इसके दिमाग पे कौन सा चीज़ नहीं है, और
रैदर कौन सा चीज़ हिडन है आपके पर्सन के दिमाग में और दिल में, कौन सा चीज़ हिडन है. ओके, नाइट ऑफ शोर्स. अक्सर क्या होता है, ये इसको पता नहीं होता है कि ये इसको प्यार के बारे में पता नहीं होता है. ओके, ये बहुत जल्दबाजी में अपने लाइफ लीड किए, हो सकता है जॉब, नौकरी, लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं सीख पाए कि खुशियाँ क्या होता है. अक्सर परफेक्ट बनने के चक्कर में ये अपना टाइम गवाया है. बट ये जो रैट रेस है, ओके, ये जो कंपटीशन में फर्स्ट होना है, या फिर ये जो परफेक्शंस का भूत इसके अंदर सवार है, ये इसको बहुत वीक बना दिए है. सो अंदर से इसको वीकनेस महसूस होता है, वो पहले की तरह फील नहीं कर पाते. शायद ये आपका भी है, लाइक आप भी तंग आ चुके हो कि कब ये बदलेंगे, और ये बदलते ही नहीं है क्योंकि ये बहुत स्टबर्न थे. सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसको भी समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बहुत नज़रअंदाज किए, टाइम को यूज़ नहीं किए, एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किए, लिटरली जिस टाइम पे इसको होना चाहिए था उस टाइम पे वो नहीं थे, और धीरे धीरे वो अपने कोकून से बाहर आने की कोशिश करें. और ये जो ट्राई ये करेंगे, ये बहुत अच्छा होगा. सो आई थिंक किस ये पर्सन के अंदर में वो रियलाइजेशन आ रहा है कि इसको अभी बहुत अच्छे से ट्राई करना है. अगर ये मोमेंट को ये मिस कर देंगे तो पूरे जिंदगी शायद ये तड़पता रहेंगे. लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हिडन हैं, और क्या क्या चीज़ें हिडन हैं, और क्या क्या चीज़ें हिडन हैं, और क्या क्या. ओके, यहाँ पे आते हैं हायरोफेंट. ये पर्सन एक ट्रेडिशनल पर्सन है, लॉयल पर्सन है, स्टेबल पर्सन है. फैमिली इसको जो सिखाए है वो नॉलेज लेके ही ये चलते हैं. सो कहीं ना कहीं इसको यू नो, ये जो देख रहे कि ये मॉडर्न लव, ये मॉडर्न सोसाइटी, ये जो मॉडर्न अप्रोच, इसको इसके समझ में नहीं आता है. तो ये हर सिचुएशन को अपने मुताबिक यू नो, एक 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 बॉक्स लगा के ही रिप्रेजेंट करते. सो कई कबार क्या होता है कि आप जिस तरीके से आप आसानी से बातें को बोलते हो, इसको लगता है कि आपको कैसे पता चल जाता है ऐसे कुछ, आपको इतना अच्छा से कैसे पता है, आपको इतना सारा नॉलेज कैसे है, बिकॉज आपने लाइफ से सीखे हो और ये बुक से. तो कहीं ना कहीं ऐसा इसको लगता है कि यू नो, ये बहुत अलग है, ये डिस्क्रीट है, ये सबके साथ ऐसे हंस के खुल के बात नहीं कर सके, क्योंकि इसको ऐसे सिखाया गया है, इसका कंडीशनिंग ही ऐसा है. बट एज अ पर्सन ये बहुत ही अच्छे हैं, एज अ पर्सन ये बहुत ही लॉयल है, ये भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और यही इसका हिडन ख्वाहिशें है. बट कहीं ना कहीं इसको बोला गया है जैसे कि जेंडर रूल्स के, लड़का कभी ये बात नहीं बोलते, लड़का कभी ऐसे कलर्स नहीं पहनते, लड़का कभी ऐसे एक्शंस नहीं करते. तो ये चीज़ इसके जहन में हमेशा चलता है, इसीलिए ये ज़्यादा बात नहीं बोलते, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि इसको सिखाया गया है कि लड़का का क्या रोल से या फिर लड़की का क्या रोल से. तो ये जेंडर रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और ये हिडन है इसके अंदर. सो इसीलिए अक्सर ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अक्सर फैमिली को इश्यू बना देते हैं कि फैमिली क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, क्योंकि इसको ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मेंटेन करते. हो सकते एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो सकता है टीचर हो सकते हैं कि ये घर के बड़े बेटे हो या फिर बड़े बेटी हो. सो मर्यादा, सम्मान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एथिक्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ इसके अंदर में हिडन है. लेट्स सी और क्या चीज़ हिडन है. ओह, किंग ऑफ वंड्स. देखिए, ईगो है. सो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि एक ये बॉन्ड लीडर है, तो अक्सर ये लीड करना पसंद करते हैं. ये चाहते हैं कि आप इसके बारे सारे बातें सुनो, इसके बारे में अच्छे अच्छे बातें बोलो. बट कहीं ना कहीं जो टाइम इसको देना होता है वो टाइम ये नहीं दे पाते हैं. तो अक्सर ये जब जोक्स करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ये इसको बहुत फनी लगता है. बट जब आप इसके बारे में जोक्स करते हो तो ये बहुत ये वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने के बारे में बहुत ज़्यादा यू नो लाइक बहुत अच्छा परसेप्शंस है. बट कहीं ना कहीं इसके अंदर ईगो है, शायद इसको ये नहीं देख पाते हैं, और अक्सर इसी के कारण आप लोगों का झगड़ा हो जाते हैं. हर सिचुएशंस में इसको आगे आना होता है, हर सिचुएशंस में इसको राइट बनना पड़ता है, हर सिचुएशंस के लिए इसको रेडी होना पड़ता है. ऐसा ज़रूरी नहीं, बट ये सिचुएशंस को बना देते हैं. सो आपको अक्सर लग सकता है कि ये इतना रोबोटिक क्यों है, बिकॉज इसके कंडीशनिंग ऐसे है, इसके अंदर के जो भी फॉर्मूला है वो यही है, इसके थॉट प्रोसेस भी वैसे ही है. तो इसीलिए ये कुछ हटके नहीं कर पाते हैं, मेथोडिकल लाइफ लीड करते हो सकते हैं कि मिलेनियर है, हो सकते हैं कि इसके पैसे बहुत है, बट फिर भी ये शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको बोला गया है कि ऐसे ही होना चाहिए. या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके छुट्टी है,
और कोई भी इसको नहीं पूछ रहे कि आप कहाँ पे जा रहे हो, बट फिर भी ये आपके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि इसको फैमिली के सामने कुछ जवाब देना है। सो बहुत ज़्यादा स्टूपिड रीज़न इसके अंदर है और वो स्टूपिड रीज़न ये खुद ही क्रिएट किए है जस्ट टू मेक इट लुक गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो यही है कि लोगों की आंखों के सामने इसकी एक अच्छा इमेज होगा, लोग इसके बारे में अच्छे अच्छे बात बोलेंगे, इसका कोई गलती नहीं होगा, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन किस तरीके का चेंजेस या फिर एक्शंस लेंगे आने वाले समय में। ये वन कार्ड ही मैं पिक करूंगा क्योंकि ये टेम्पररी एनर्जी है। द फुल, एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये आ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, नए अप्रोच के साथ, एंड एट द सेम टाइम इस टाइम पे ये कुछ डिसाइड किए हैं। आई थिंक ये पर्सन इवॉल्व हो रहे हैं, ये पर्सन को पता चल रहा है कि इसके अंदर इसके साथ भी कुछ गलत हुआ तो ये वो गलती को रिपीट नहीं करना चाहते। आई थिंक दोनों के बीच में जो भी था वो हट गया है। न्यू मून 15 डेज के बाद है और ये फुल मून होने वाला है। आई थिंक ये 15 दिन इनके लिए एक नए साइकिल होगा, आपके लिए भी एक नया साइकिल होगा। ये नए तरीके से आपके सामने अप्रोच लेके आएंगे बट केयर फ्री हो जा रहे हैं। ये बहुत स्टबर्न था, ये बहुत रुक रुक के आगे बढ़ रहा था बट अभी ये बहुत स्मूथ आगे बढ़ेंगे। अभी ये डरेंगे नहीं, बात करेंगे, सॉल्व करेंगे इशू को, लोगों के सामने एटलीस्ट बोलेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो तो ये फाइनली कुछ बोलने वाले हैं अपने फैमिली के अगेंस्ट में जाके और आपके फेवर में जाके। ये फाइनली कुछ स्टेप लेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, मैं मेरे को दिख रहा है कि हाँ, इसके साथ मेरा एक जोड़ी बन सकते हैं। आई थिंक एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके ये आ रहे हैं जो शायद आप नहीं सोच सकते हो। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज लेके ये आ रहे हैं, हो सकते हैं ये आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं या फिर मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं या फिर रिकन्सिलिएशंस के लिए मैसेज कर सकते हैं। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा शुरुआत ये करने जा रहे हैं और ये आपके लिए परमानेंट शुरुआत है। सो ये फुल जब कार्ड अपियर होता है मतलब ये पर्सन जो भी कुछ कर रहे हैं इसके लिए आपको दोबारा नहीं सोचना है। ये आपको प्यार करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये मिस किए हैं आपको, ये डिसाइड किए हैं आपके बारे में और इसीलिए ये आ रहे हैं। देर इज नो सेकेंड गेज, इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे थे फाइनली आपके लिए जो भी 2 साल था वो खत्म हुआ क्योंकि 2 साल से कुछ जोडियक साइन के ऊपर ग्रहण चल रहा था, फाइनली वो ग्रहण हट के डिफरेंट जोडियक साइन के ऊपर आ रहा है। बट आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा ब्रेक थ्रू है। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट से थे पिछले 2 साल से, 2-3 साल से, फाइनली ये जो फेज होगा जहाँ पे आपका होश उड़ जाएगा। और अगर आप लोग कोई भी क्रिस्टल्स उपयोग कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो या फिर 1110000101010999999 देख रहे हो, 666 देख रहे हो, 2121 देख रहे हो, 1313 देख रहे हो एंड 1111 देख रहे हो, 1212 देख रहे हो और 5555 देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत प्यारा सा न्यू बिगिनिंग वेट कर रहे हैं। और यूनिवर्स एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है इस सिचुएशंस पे, क्योंकि आप बहुत ही बदतर दिन देखे हो। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको जो भी मिलेगा अच्छा ही होगा। फिलहाल विश्वास कीजिए, इनहेल कीजिए, सांस लीजिए अंदर, बाहर सांस को छोड़िए, अपने पर्सन के बारे में विजुलाइज कीजिए और माँ काली को याद कीजिए। जो भी होगा सही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज कमेंट करके लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन एंड मेरे वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे और भी अदर सोशल मीडिया पे एंड अपने दोस्तों के साथ। हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन या फिर माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी। बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से रहिए। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।